नमस्ते फ्रेंड्स, सुधा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बेसन गट्टे की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो काफी टेस्टी लगती है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमने एक कप बेसन लिया है। इसे हम बॉल में डाल देंगे और इसकी सब्जी काफी टेस्टी होती है। हमने 3 से 4 लहसुन को ग्रेट कर लिया है और 1 इंच अदरक को भी ग्रेट कर लिया है, तो इसे भी हम डाल देंगे। साथ में थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1/2 चम्मच, 2-3 हरी मिर्च, इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। साथ में बहुत सारा धनिया पत्ता, इसे भी हमने कट कर लिया है, और नमक स्वाद अनुसार। और इसका हम डो तैयार करेंगे, लेकिन इसका कड़ा डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसे हम गूथेंगे, तो इसमें एक साथ में ही ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। और आटा का जैसे हम लोग डो तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें डो तैयार करना है। देखिए, हम डो तैयार कर लिए हैं। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब पानी को थोड़ा उबलने देंगे, तो पानी उबलने लगा है, तो इसमें हम जो हमने डो तैयार किया है उसका हम लंबा लंबा रोल बना लेंगे और इस रोल को पानी में डाल देंगे। इसी तरह दूसरा रोल भी बना लेंगे, तो भी हम डाल देंगे। ये रोल को हमने पानी में डाल दिया है और इसे हम 7 मिनट तक उबलने देंगे। तो 7 मिनट हो चुका है और ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए पानी भी कम हो गया है और हमारे जो बेसन के गट्टे हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। और देखिए कितना फूल कर बड़ा बड़ा हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। और गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के बाद काटते हैं। हमने यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और इधर हम गट्टे को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। देखिए सारे गट्टे को हमने काट लिया है छोटे पीसेस में। अब इसे हम कढ़ाई में डालकर फ्राई करेंगे। और ये सब्जी काफी टेस्टी लगता है, इसे आप चावल रोटी पर खा सकते हैं और इसे एक बार आप जरूर बनाइए। तो देखिए गट्टे को हमने फ्राई कर लिया है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरह सारे गट्टे को हम निकाल लेंगे। और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसी कढ़ाई में हम सब्जी को बनाएंगे, तो थोड़ा तेल कम कर लेते हैं। ये कढ़ाई का हमने तेल कम कर दिया है और इसमें हमने 2 चम्मच तेल रखा है। अब तेल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, साथ में 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, 1 हरी मिर्च, इसे हमने बारीक काट लिया है, और 1 बड़ी इलायची। और इसे थोड़ा हम भूनते हमने भून लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक और लहसुन को हमने भून लिया है। 2 प्याज को ग्रेट कर लिया है, तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी हम साथ में भून लेंगे। इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को हमने भून लिया है। अब इसमें हम 1
टमाटो को कट करके रखे हैं तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ थोड़ा भून लेंगे। तो देखिए टमाटर को भी हमने थोड़ा सा भून लिया है प्याज के साथ में, तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। तो मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच और साथ में नमक स्वाद अनुसार और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। मसाले हमारे जले नहीं और इसे हम थोड़ा भून लेंगे जब तक मसालों में से तेल ना छोड़ दे। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो देखिए मसाले को हमने भून लिया है और मसाले में से तेल छोड़ने लगा है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 2 गिलास पानी डालेंगे। और इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। और ग्रेवी में जब उबाल आएगा तब गट्टे को हम डालेंगे। तो ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ग्रेवी में से उबाल आने लगा है। तो ग्रेवी को एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और साथ में जो हमने गट्टे फ्राई करके रखे हैं उसे भी डाल देंगे। और इसे भी 2-3 मिनट के लिए उबाल आने तक छोड़ देंगे। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। तो देखिए 2-3 मिनट हो चुका है और ढक्कन हटाकर हम एक बार चेक कर लेंगे कि सब्जी हमारी बनी है कि नहीं। तो देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बन चुकी है और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे, इससे काफी टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे और साथ में थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता इसे भी हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। बेसन गट्टे की सब्जी हमारी बनकर रेडी है और एक काफी टेस्टी लगती है। आप इसे चावल रोटी पर जरूर बनाकर खाइए। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।